Good morning, student. Now we discuss lifting of corporate veil. Discuss about in case of tax evasion. हम लोग lifting corporate veil पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था under judicial decision. First case हम पढ़ चुके थे, अब second case की बात करेंगे. Second case है हमारा in case of tax evasion. Second case क्या है हमारा? In case of tax evasion, करो की चोरी रोकने के लिए. इन केस ऑफ टैक्स इविजन, करों की चोरी रोकने के लिए, उसमें हम केस पढ़ते हैं सर दिनशो मैनेजी पेटिट. सर दिनशो मैनेजी पेटिट, समझते हैं केस क्या है. मिस्टर डी थे, डी माने दिनशो. मिस्टर दिनशो ने क्या किया? फोर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेट की. क्या क्या इन्होंने? इन्होंने चार कंपनी बनाई, फोर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. मिस्टर डी ने इनकॉर्पोरेट फोर्ड कंपनी जो एक कंपनी थी, एक ऐसी कंपनी थी, समझते हैं. नो बिजनेस, ये कोई बिजनेस नहीं करी थी. जो एक कंपनी थी ये ना तो कोई बिजनेस कर रही थी. चार कंपनी बनाई है, ना तो कोई बिजनेस करी थी और उसमें ना कोई कैपिटल लगी हुई थी. नो कैपिटल एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाई मिस्टर डी. इसमें कोई कैपिटल लगी भी नहीं थी. ये चार कंपनी बनी, इनमें कोई कैपिटल लगी भी नहीं थी. बस मिस्टर डी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था. नो कैपिटल एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाई मिस्टर डी. मिस्टर डी के इन्वेस्टमेंट के अलावा इसमें कोई कैपिटल लगी भी नहीं थी. ये चार कंपनी बस फर्जी कंपनी बनी थी. अब इन कंपनी ने क्या किया? इन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया. क्या क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया? कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, जिस कारण कंपनी को क्या मिला? डिविडेंड और रिटर्न. इन चार कंपनी ने क्या किया? जो पैसा किसने लगाया था? बाय मिस्टर डी. मिस्टर डी के द्वारा जो पैसा लगाया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो पैसा कंपनी में आया. इन कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया. सेकेंड केस क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट से कंपनी को क्या मिला? डिविडेंड एंड रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट कह दो. इन कंपनी से, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उससे क्या मिला? डिविडेंड मिला और इंटरेस्ट मिला, रिटर्न मिली है.
अब इस कंपनी से मिस्टर डी ने पैसा लिया लोन के रूप में। जब मिस्टर डी उन्होंने लोन के रूप में पैसा लिया, बेसिकली ये पैसा कैसा था, जो डिविडेंड और रिटर्न के रूप में था, लेकिन मिस्टर डी ने अपना टैक्स बचाने के लिए लोन के रूप में पैसा लिया कंपनी से। और ये लोन कैसा था, ये कभी पे नहीं होता था, नॉट रिपेमेंट। लोन लिया, ये कभी पे नहीं हुआ। नो रिपेमेंट, ये लोन का क्या नहीं हुआ, कभी पे ही नहीं हुआ। मिस्टर डी बस कंपनी से लोन लेते रहे दिखाने के लिए, जिससे उनका टैक्स बच जाए। अब मिस्टर डी को जब बात आई कोर्ट में, तो मिस्टर डी को कहा गया कि भाई अपना आप टैक्स पे करिए जो इनकम आ रही है। तो मिस्टर डी ने ये कहा, कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है, मैं अलग हूँ कंपनी अलग है, मैंने तो कंपनी से लोन लिया है, मेरी इनकम थोड़ी है, मैंने तो कंपनी से लोन लिया है। अब इसके बाद क्या केस आया, अब आप बताइए इस केस में क्या होगा। कंपनी से लोन लिया, लेकिन ये लोन कैसा है, जब मिस्टर डी ने लोन लिया लोन कैसा है, ये कभी आज तक पे ही नहीं हुआ, नो रिपेमेंट। तो इस केस में कोर्ट का डिसीजन जो आया, कोर्ट ने कहा कि मिस्टर डी ने टैक्स की चोरी करने के लिए, फॉर टैक्स इवेजन, ये चार कंपनी फर्जी कंपनी है, इनमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ना कोई कैपिटल लगी हुई है, बस डी के द्वारा पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट के रूप में, और उस पैसे के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट में ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, जो कंपनी को मिल रही है इनकम, और ये इनकम मिस्टर डी को मिल रही है लोन के रूप में, और ये लोन कैसा है, जो कभी आज तक पे ही नहीं हुआ, नो रिपेमेंट, इसका कभी आज तक पेमेंट ही नहीं हुआ। तो इस केस में जो लिफ्टिंग है, जो कॉर्पोरेट बिल है, वो लिफ्ट हो गया, मिस्टर डिंशो को और कंपनी को दोनों सेम माना गया, और जब भी इसका पर्दा है वो हट गया। आई बात समझ में, एक बार फिर एक रिव्यू लेते हैं केस का, केस में क्या हुआ। सर डिंशो मैनर्जी पेडिट केस है हमारा। इस केस में मिस्टर डी ने, यानी कि डी माने डिंशो, मिस्टर डिंशो ने क्या किया, चार कंपनी इनकॉर्पोरेट की। फर्स्ट केस हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इनको चार कंपनी बनाई इन्होंने, फिर इन चार कंपनी में, ये चार कंपनी कैसी थी, इनमें ना तो कोई बिजनेस था, ठीक है, ना कोई कैपिटल लगी हुई थी, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाय डी, बस जो पैसा डी ने लगा रखा था वही लगा हुआ था। अब इन चार कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इस जो इन्वेस्टमेंट किया, इससे इनको क्या मिला, डिविडेंड और इंटरेस्ट, जिनको रिटर्न मिली है। अब जो इनको रिटर्न मिली है, इसको मिस्टर डी ने लोन के रूप में लिया। एक तरह से मिस्टर डी की इनकम थी ये, लेकिन उन्होंने इनकम ना दिखा के उसको लोन दिखाया, जिससे वो टैक्स से बच जाएं। और ये लोन कैसा था, ये कभी रिपेमेंट नहीं होता था, नो रिपेमेंट। जो जब बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा है कि ये लोन कैसा है, जिससे कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिपेमेंट नहीं हो रहा है, और ये कंपनी कैसी है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई कैपिटल लगी हुई है। तो इससे साफ पता लगता है जो मिस्टर डिंशो है, जो कंपनी जनरेट की है, कंपनी बनाई है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ये क्यों की है, टैक्स इविजन के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए। तो इस केस में कॉर्पोरेट जो व्हील था वो लिफ्ट हो गया। तो इस केस में कंपनी और जो मेंबर है, जो कंपनी का ओनर है, दोनों को सेम माना गया। ये हमारा केस था इन केस ऑफ टैक्स इविजन, सर डिंशो मैनर्जी पेटिट। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहाँ पर रखते हैं। Thank you.